ये है दोस्तों बनारस रेलवे स्टेशन। बनारस रेलवे स्टेशन के पश्चिम दिशा की तरफ जब आप आते हैं दोस्तों, तो यही शिव जी का एक मंदिर पड़ेगा। इसी मंदिर के बगल में है द हंडी हाउस फूड शॉप दोस्तों। इसके आगे दोस्तों मरवाड़ी चौराहा आ जाएगा। द हंडी हाउस में दोस्तों वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के फूड मिलते हैं। आज दोस्तों हम लोग इसी हंडी हाउस का हम लोग हंडी में पकी हुई बटर पनीर मसाला और लच्छा पराठा का स्वाद लेंगे। हंडी हाउस के ऑनर हैं प्रबल सिंह, और चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं और अपने उनके फूड शॉप के बारे में जानते हैं। आज जो है द हंडी हाउस में आए हैं दोस्तों। ये खासतौर से बनारस रेलवे स्टेशन के पासिंग का दुकान है दोस्तों, और बहुत बढ़िया दुकान खुला हुआ है खासतौर से। यहाँ पर इंडियन साउथ इंडियन चाइनीज तरह तरह के मतलब फूड मिलते हैं। अचल के इनके फूड का हम स्वाद लेंगे दोस्तों, और इनके आर्डर जो है कि प्रबल सिंह हैं, और उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो चले चलते हैं हंडी हाउस। नमस्कार। आइए भैया, दो मिनट समय दीजिए। हेलो दोस्तों, धर्मपुर में एक बार फिर स्वागत है। खासतौर से मैं यहाँ पर आया हूँ हंडी हाउस में, द हंडी हाउस में। खासतौर से ये जो बनारस रेलवे स्टेशन के पास ही दुकान है, और ये भैया जी हैं जो है प्रबल सिंह हैं खासतौर से, और द हंडी हाउस के जो है कि और ऑर्डर हैं, और खासतौर से इनसे आपको मिलवाते भी हैं, और इनके बारे में हम जानते हैं कि ये किस प्रकार रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, और किस प्रकार मतलब ये फूड शॉप चलाते हैं, और क्या क्या इनकी वैरायटी है उसके बारे में हम जानते हैं। और इनके हम जो है कि फूड शॉप के बारे में जानेंगे, और इनके इस बाजार में जानेंगे किस प्रकार बहुत दूर दूर से लोग खासतौर से खाने के आते हैं। तो ये प्रबल सिंह हैं, इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार मतलब कब से ये मतलब अपना शॉप चला रहे हैं, और खास तौर से क्या क्या बेचते हैं, मतलब क्या क्या सेल करते हैं फूड शॉप में। इसमें से नॉन वेज है, वेज भी है, तो आज हम जानेंगे और इनके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों पहले इनसे मिलते हैं और इनके बारे में जानते हैं। हेलो भैया, नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है भैया आपका? रवि सिंह नाम है। हाँ, तो ये हैं प्रबल जी, ये हंडी हाउस के जो है ऑनर हैं। तो भैया, ये हंडी हाउस जब से आप खुले हैं, किस प्रकार का मतलब कि ये जब से खुले हैं, तो कितने वर्ष हो गया खुले? सर ऑलमोस्ट 4 साल हो गए जी। तो मैं फॉर्मली इसके पहले अकाउंटेंट की तरह काम कर रहा था विप्रो में दिल्ली में जी। तो उस समय हम लोग का प्लानिंग एक्चुअली दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में इनिशियल रेस्टोरेंट खोलने का था। हाँ। बट कुछ कारणवश मुझे वापस बनारस आना पड़ा। द हंडी हाउस रेस्टोरेंट का नाम है, बनारस रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है जी, जी। उसके साइड में पड़ता है। अच्छा। और 4 साल हो गए रेस्टोरेंट खोलते हुए, काफी अच्छा रिस्पांस है। नॉनवेज के लिए बेसिकली ये फेमस है। अच्छा। बट हमारे पास ऑलमोस्ट 230 आइटम है हमारे मेन्यू में। इस समय आप 230 मतलब कि आप व्यंजन बेचते हैं? हाँ जी। अच्छा। उसमें बहुत सारे कॉम्बोज हैं, वेज है, नॉनवेज है, साउथ इंडियन, चाइनीज जी, और काफ़ी कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस भी हैं हमारे मेन्यू में जी। जो लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, और ऑलमोस्ट 4.2 का रिव्यू है हमारा जी। तो 4 साल हो गए आपको खोले हुए, तो कहने का मतलब कि कैसे विचार आया कि द हंडी हाउस मतलब हम यहाँ पर खोलें, और कैसे दिमाग में आया कि हम फूड लाइन में जाएं मतलब? अगर सर बेसिकली मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं विप्रो में मतलब ऑलमोस्ट मैंने 6 साल जॉब कराया है सीनियर अकाउंटेंट जी। कहाँ जॉब कर रहे थे आप? मैं दिल्ली में जॉब किया जी, जी, जी। तो नोएडा में भी एक्चुअली हमने 2 रेस्टोरेंट खोले, एक नोएडा में हमारा खुला है और एक बनारस में खुला है। तो हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग को वीकेंड्स में नॉनवेज खाना बड़ा अच्छा लगता था जी, और दिल्ली में अवेलेबल हो नहीं पाता था जो हमारा जो हांडी स्टाइल है, जो बेसिक जो देसी स्टाइल है जी, वो दिल्ली में अवेलेबल हो नहीं पाता।
तो काफ़ी मतलब घर वालों से पूछ के और काफ़ी फ्रेंड्स जो यूपी और बिहार के साइड से हैं उनसे पूछ के हम लोग जो ऑथेंटिक जो हांडी वाला टेस्ट होता है पहले उस पर काम करा, काफ़ी लोगों को अच्छा लगने लगा, तो फिर लगा कि रेस्टोरेंट खोल देना चाहिए। जैसे आप हंडा हांडी हाउस खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, तो इस तात्पर्य कि मतलब कि कुछ फूड का भी मतलब आपको नॉलेज था? हाँ जी सर, मेरा एक्चुअली 2012 से थोड़ा सा मैंने किचन का नया सेटअप लिया था जी, उसके बाद से कुकिंग एक हॉबी बन गई थी जी। बेसिकली हफ्ते में दो दिन था कि मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके कुछ नया नया नई चीज़ें बना के लोग को टेस्ट करा रहा था और लोग काफ़ी पसंद करते। अच्छा, तो आपको लगा कि हम लोगों की सेवा कर सकते हैं इस लाइन में? हाँ जी सर, तो थोड़ी हॉस्पिटैलिटी में भी काफ़ी शौक है मुझे जी जी, और म्यूज़िक और फूड एक तरह से मेरे लिए पैशन है, तो आप मेरे रेस्टोरेंट में कभी भी आएंगे जी तो आपको म्यूज़िक काफ़ी अच्छे टेस्ट का मिलेगा जी जी, प्लस एक पॉजिटिव वाइब्स है हमारे रेस्टोरेंट में। आप जो कलर देखोगे हमारे रेस्टोरेंट का कलर येलो है जी जी, सो इट्स बेसिकली बिकॉज हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छी होप मिले और जो म्यूज़िक से जो उनका माइंडसेट है थोड़ा पॉजिटिव हो सके जी जी। मतलब बेसिकली से कहाँ रहने वाले हैं? वेल हम लोग बेसिकली जमालपुर एक जगह है मिर्ज़ापुर में जी, वहाँ के निवासी हैं, बट ऑलमोस्ट 30 साल से हमारी फैमिली बनारस में सेट है। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब कि जैसे आप द हांडी हाउस खोले हैं तो ये नाम, जैसे ये नाम इस तरह का लग रहा है कि आप जैसे कि नान वेज बेचते हैं, और क्योंकि हांडी का तात्पर्य होता है कि मटन और चिकन से खास तौर से, तो बिहार में ज़्यादा मतलब हांडी उंडी का नाम का प्रयोग किया जाता है, तो दिमाग में लगता है कि वहाँ से ही लिए हैं आप? नहीं सर, एक्चुअली जब हमारा जो इनिशियल जो प्लान था हमारा रेस्टोरेंट खोलने का, उसमें हम सिर्फ बिरयानी और जो मटन है उसका प्लानिंग था, बिरयानी और मटन का। तो उस समय बनारस में कोई भी जैसे सिर्फ एक कालिका एक कॉम्पिटिटर था और चंपारण और ये सब उस समय नहीं था 4 साल के पहले, बट अभी काफ़ी लाइन में आ गया है हांडी वाला। हाँ सर, बहुत अच्छा। तो बेसिकली सर मतलब हम लोग का जो नाम है ये हमने जो हमारा बिरयानी वाला कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से, और ये मेरे खुद के घर में बना है इसलिए यू फाइंड द वर्ड हांडी हाउस। एक्चुअली हमारे मेन्यू में काफ़ी सारे कॉम्बोज भी हमने इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि कंसिडर करें स्टेशन का तो काफ़ी लोग अकेले आते हैं। प्रवल सिंह का रेस्टोरेंट जो है आपको बनारस रेलवे स्टेशन के पास ही है दोस्तों, कभी भी अगर बेहिचक मतलब कभी उतरते हैं स्टेशन से एक बार जरूर आप आइएगा, खासतौर से आप इधर आएंगे तो पावर हाउस पड़ेगा, पावर हाउस के बगल में ही आपको मतलब मरवाड़ी चौराहे की तरफ जाएंगे तो यहाँ हांडी हाउस लिखा हुआ है, आप आराम से मतलब कि पूछ सकते हैं आ सकते हैं, और सस्ता सस्ता भोजन मिल सकता है, नॉन वेज और वेज दोनों मिल सकता है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ से अगर आप एग्जिट करते हो स्टेशन से तो फर्स्ट बिल्डिंग हमारे रेस्टोरेंट वाली है। तो हेलो, देखिए भैया मतलब कि सबसे पहले से परिचय हो गया है, आप जरा सा एक बार इनके यहाँ के स्वाद दीजिए और बताइए किस प्रकार का ये फूड बनाते हैं, नॉन वेज और वेज दोनों। लेकिन यहाँ पर जो साफ़ सफाई के विशेष ध्यान रखा जाता है दोस्तों, खास जिस तरह आप देख रहे हैं कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं, सब पैलेस लगा हुआ है। भैया आप द हांडी हाउस में आए हैं तो यहाँ फूड व्यंजन कैसा है? बढ़िया है यहाँ का, बढ़िया देते हैं ना, कैसा स्वाद है? अच्छा है, मस्त है बिल्कुल। भैया आज बताइए कि आप मुझे क्या खिलाएंगे जो आपके यहाँ बहुत बेस्ट हो? फिर मैं आपको आज खिलाऊंगा पनीर हांडी हमारे यहाँ पर जी, काफ़ी लोगों को बढ़िया लगता है, उसके साथ मैं आपको आटे की बनी हुई तंदूरी रोटी खिलाऊंगा। आटे की बनी हुई तंदूरी रोटी और हांडी में पका हुआ पनीर, हांडी में पका हुआ पनीर खाएंगे। द हांडी हाउस है तो आज भैया कह रहे हैं कि आपको हांडी हाउस का ही पनीर मैं खिलाऊंगा, मतलब कि हांडी में बना हुआ, तो इससे बढ़िया क्या होगा। आज चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि हांडी में बना हुआ पनीर जो है बनाते हैं, उसका से पनीर हांडी जो है कि हम खाएंगे दोस्तों तंदूरी रोटी के साथ, दोस्तों खाते हैं और देखते हैं किस का स्वाद है। तो आज चलिए द हांडी हाउस में हम लोग इसी का ट्राई करते हैं और जानते हैं कि द हांडी हाउस का जो है कि हांडी पनीर और खाकर देखते हैं उसके स्वाद के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों, हांडी का पनीर और प्लस उसके बाद जो है कि तंदूरी रोटी। द हांडी हाउस का जो है दोस्तों ये है कि
बटर नान है। तो ये तंदूरी रोटी बन गया दोस्तों, खास तौर से जैसे देख रहे हैं बहुत ही लाजवाब, बहुत मस्त दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो लच्छे वाला नान है, तो ये लच्छा वाला नान है दोस्तों, खास तौर से जैसे देख रहे हैं आप। इसकी बनाने की प्रक्रियाएँ बहुत अलग तंदूरी होती हैं और ख़ास तौर से परतों में खुलता है, मतलब जब भी बनाएंगे तो परतों में ये मतलब खुलेगा आपको, और इसे खाने का टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होता है खास तौर से। तो द हार्टी हाउस का मतलब जो है ये लच्छेदार रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। ये मस्त मस्त दशेदार पराठा तैयार हो गया दोस्तों, खास तौर से देख रहे हैं जैसे। और ये बहुत अधिकतर मतलब पंजाब पंजाब में चलता है, इसे बम्बई मुंबई में भी लोग खाते हैं, लेकिन खास तौर से आधुनिक तरीके से लोग बनाते हैं और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। ये खास तौर से जो है कि पनीर हांडी है दोस्तों, यहाँ पर पनीर हांडी का दाम जो है 175 रुपये है खास तौर से, और हाफ प्लेट जो 120 रुपये है। ये लच्छेदार पराठा है दोस्तों, खास तौर से देख रहे हैं आपको। ये प्रवल जी से मिलते हैं, दरअसल उनके बारे में जानते हैं जो व्यंजन दिए हुए हैं। प्रवल सिंह जी से बता रहे थे, करप्शन द हांडी हाउस में हम लोग आए हैं, तो आज इनके यहाँ का लच्छा पराठा खाते हैं, खासतौर से पनीर बटर जो है आपका खाते हैं हम लोग, हांडी में खाते हैं। तो ये है हांडी पनीर का, जो हांडी पनीर खासतौर से देख रहे हैं इसमें। इसमें अच्छा, इसमें डालने में इसमें जो आप लोग वैरायटी डालते हैं, जो रेसिपी डालते हैं, तो किस प्रकार बनाया जाता है और क्या क्या डालते हैं इसमें? सर ये बेसिकली मेरा स्लो कुकिंग के थ्रू होता है, तो जब हम लोग इसी स्टार्टिंग ऑफ द डे जो बेस ग्रेवी प्रिपेयर करते हैं उसको एकदम स्लो कुकिंग से एकदम धीरे धीमे आँच पर, लगभग समझ लीजिए 3 से 4 घंटे तक हम उसको स्लो कुकिंग में कुक कराते हैं। जी ठीक है, मतलब बहुत स्लो कुकिंग करते हैं, बहुत मीठापन आता है। हांडी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्लो कुकिंग है। जी तो जैसे या तो आप जैसे हम लोग जो बनाते हैं ग्रेवी वो मोटी लोहे की कढ़ाई में होती है। जी पूरे स्लो कुकिंग के प्रोसेस से इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है और थोड़ा घर वाले का स्वाद आ जाता है, जो मिट्टी की मतलब जो वहाँ मिट्टी की खुशबू आती है। हाँ जी, सॉरी सॉरी खुशबू आती है। हाँ, सर्वे करने का तरीका आपका मतलब इस तरह का है, लेकिन बहुत ही मस्त लगता है खाना। हाँ जी जी, आकाश लच्छे पराठे और उसके बाद जो है कि आपके बटर नान बहुत ही मस्त दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए इसका फूड का स्वाद लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं किस प्रकार का स्वाद है कि हांडी पनीर और प्लस जो है लच्छेदार पराठा खाएँगे और इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। ये खास तौर से पूरा रेसिपी जो है बहुत मस्त दिखाई दे रहा है। तो ये बेबी नान खास तौर से दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेबी नान और ये लच्छा पराठा है, और आगे दोस्तों बेबी नान बहुत सॉफ्ट इतना मुलायम है, इतना बढ़िया है और बहुत ही खस्ता है खास तौर से। इसमें मिश्रण ये होते हैं गेहूँ के आटे का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और ये भी लच्छा पराठा है, आप लच्छे को देख ले खास तौर से एकदम। और ये जो है दोस्तों खास तौर से बटर हांडी है, और हांडी बटर भी कहेंगे, बटर हांडी कहेंगे तो बहुत लाजवाब, इतना मतलब मस्त बना हुआ है दोस्तों।
जिस तरह देख रहे हैं बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मस्त बना हुआ है। तो ये भी नान है दोस्तों, खास जैसा देख रहे हैं आप। चलिए खाते हैं दोस्तों। बहुत लास्ट बहुत बहुत मस्त और बहुत खस्ता बना हुआ दोस्तों। सब पनीर बहुत ही लाजवाब दोस्तों, हांडी हाउस का पनीर देखिए कितना मस्त कितना लाजवाब दोस्तों। इसका ग्रेवी कितना बढ़िया दोस्तों, द हांडी हाउस का जैसे कि आप देख रहे हैं मस्त बना हुआ है दोस्तों। चलिए आप लच्छा पराठा खाते हैं दोस्तों। ये हांडी पनीर का जो है लच्छा पराठा के साथ कितना बढ़िया, बटर पनीर जो है हांडी बना हुआ है उसका जो है लच्छा पराठा खाते हैं दोस्तों, कितना लाजवाब कितना मस्त लगता है दोस्तों। मजा आ गया दोस्तों, स्वाद बहुत ही बढ़िया। बहुत ही मस्त बना दो, ग्रेवी इतना बढ़िया है बटर पनीर का छूटेगा भी नहीं, और बहुत ही मस्त बहुत बढ़िया बनाया दोस्तों। सब देख रहे हैं मसाला कितना ज़्यादा प्रयोग किया गया है, मसाले इतने भरपूर मात्रा में हर सौ से इस तरह होना चाहिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया बहुत ही लाजवाब स्वाद बहुत ही लाजवाब दोस्तों। खासों से कढ़ाई हांडी पनीर का स्वाद बहुत ही मस्त है दोस्तों। हांडी हाउस का दोस्तों लच्छा पराठा और हांडी का पनीर बहुत ही मस्त लाजवाब रहा दोस्तों। कभी भी खाना बाजू के यहाँ आइए, थोड़ा तीखा भी है और खाने में बहुत बढ़िया बहुत मस्त है। इसे ग्रेवी जो बहुत बहुत लाजवाब है, और मटर पनीर का और जो हांडी में खास उससे बनाते हैं पकाते हैं इससे काफ़ी खुशबू सुगंध आती है और भिनी भिनी सुगंध आती है दोस्तों। और ख़ास तौर से जो है कि उनकी ग्रेवी जो है बहुत ही मस्त है दोस्तों, लाजवाब है, और उनके लच्छेदार पराठा जो है जैसा देखते हैं दोस्तों एकदम मुलायम और मस्त है दोस्तों। एक बार खाएँगे तो मस्त हो जाएंगे दोस्तों, एक बार जरूर आइए, मस्त है दोस्तों। एक बार आना है दोस्तों तो हांडी जो है कि द हांडी हाउस में एक बार जरूर आइए और खाइए और मजा लीजिए दोस्तों, और उंगलियां चाटते रह जाएंगे दोस्तों। इसका इतना बढ़िया मतलब यहाँ का फूड व्यंजन है कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे दोस्तों। और धर्मराज जी, आपने आज हांडी हाउस में खाना खाया कैसा लगा आपको, कुछ रिव्यू देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे दोस्तों, बस जैसे कि आप जैसे हांडी में पेश कर रहे हैं खासतौर से खूब खूबसूरत ढंग से पेश करते हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि जो मतलब खाने आते हैं तो बहुत काफ़ी मतलब एक्सटेंड जाते होंगे, बहुत उनको मज़ा आता हो देखने में। लेकिन जहाँ तक आपका मैं पनीर की बात है, पनीर तो बहुत एक्सटेंड बहुत बढ़िया और बहुत ही लाजवाब था दोस्तों। और इसमें कहने का मतलब ये नहीं है कि हांडी 10 हांडी मतलब हाउस में अगर हम आए हैं तो प्रवाल जी जो है कि मतलब कि पेश किए हैं आपका हांडी में, तो उसका कहने का मतलब है कि वो हांडी में पेश करते हैं तो सब चीज़ नहीं पेश करते हैं, जो चीज़ देने लायक वही पेश करते हैं। नाम है आप वेज और नॉन वेज दोनों खाएंगे, लेकिन जो इनका हम हांडी पनीर आज खाए हैं बटर हांडी पनीर खाए हैं वो बहुत ही कम से कम कह सकते हैं कि आपको वाराणसी रेलवे स्टेशन पर अगर आप आएँगे तो यहाँ पर जब भी आएंगे तो आपको मज़ा आने वाला है, और इससे ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। एक बार जो उनको मौका दीजिए भाई साहब को अपर वापस में पर आइए, आप वेज नॉन वेज खास चाहेंगे कि आप खाना आपको मिल जाएगा और वाजिब दाम मिल जाएगा, और इनका जो लच्छा पराठा और जो है कि बेबी कॉर्न बहुत बहुत ही मस्त है दोस्तों। आप बात बताया कि हमने गेहूँ का मैं ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, मैदे का प्रयोग नहीं करता हूँ, तो खास स्वास्थ्य का भी बहुत मतलब इन लोगों का ध्यान रखते हैं क्योंकि मैदा तो नुकसानदायक होता है दोस्तों, खास आप जान लीजिए। तो गेहूँ का अगर प्रयोग करते हैं तो ये अपने हिसाब से बहुत ही बढ़िया करते हैं दोस्तों। और एक बार हम एक बार कहेंगे जरूर एक बार इनके यहाँ पर हांडी हाउस पर जरूर आइए, आप जब भी आप मिलेंगे तो मस्त होकर मिलेंगे।
एक बार जो इनका इनका सेवा करने का मौका दीजिए। आशा है कि आप जो है निराश नहीं होंगे। आशा है दोस्तों कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा एक और भी चैनल है दोस्तों, वर्ल्ड लाइफ लाइन। अगर चैनल पसंद आता है दोस्तों तो उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। उसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब अपने दोस्त धर्मराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।